हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी. दिस इज सोनल सिकलानी. सो IBPS AFO जिन स्टूडेंट्स का प्री क्लियर नहीं हो पाया या फिर प्री क्लियर हो गया, मेंस दे दिया है लेकिन अभी असमंजस में है कि होगा कि नहीं, तो उनको अब क्या करना है. अब आराम से तो बैठना नहीं है. देखो, आराम से तो तभी बैठना है, उसी दिन बैठना है जब आपकी फाइनली जो जॉब है वो लग जाएगी. ठीक है, अनटिल आपकी जॉब नहीं लगती है तब तक हर एक दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. और अब आपके लिए जो नई अपॉर्चुनिटी है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, वो DSSP की है. ठीक है, इससे भी IPS AFO से भी ज़्यादा अच्छी आप बोल सकते हो जॉब है एक DSSP की. कैसे इसे टारगेट करना है, क्या होने वाला है, कैसे आप आगे अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कैसे रखेंगे या फिर इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या रहेगी, वो हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहली बात तो अगर आपने इसका फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट 7 फरवरी है. ठीक है, 7 फरवरी लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, उससे पहले ही फॉर्म भर देना है. 9 जनवरी को ये आ गया था, आपका स्टार्ट हो गया था, 7 फरवरी तक ये वैलिड है. ठीक है, अब कैसे इसका हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कब तक हो सकता है एग्ज़ाम. देखिए, DSSP क्या है, बहुत सारे आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है अलग अलग तरह के. ठीक है, सो इसका एक एग्ज़ाम आया था आपका जो वेरियस पोस्ट के लिए था, आपका TGT, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बहुत सारी पोस्ट आई थी इन द मंथ ऑफ, आप देख सकते हो सेप्टेम्बर और उस टाइम पे, सितंबर के टाइम पे क्या है इनकी वैकेंसी आई थी बहुत सारी अगस्त सितंबर में. ठीक है, सो 15 सितंबर को ये आप नोटिफिकेशन आया था और इसका जो एग्ज़ाम है वो अभी फरवरी में है. तो इसमें बहुत सारी सिंस पोस्ट हैं, तो इनको अराउंड 5 महीने ये एग्ज़ाम का जो टारगेट है वो करने में लग गए कि ये एग्ज़ाम अब करवाते हैं. अब आपका जो SO जो हेड हॉर्टिकल्चर का, उसमें क्या है 2-3 पोस्ट एक साथ आई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली आप बोल सकते हो कि 2-3 महीने बाद इसका एग्ज़ाम हो सकता है. ठीक है, सो वी कैन एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ, आप बोल सकते हो कि मार्च एंड में या फिर अप्रैल का जो स्टार्टिंग है उस टाइम पे ये एग्ज़ाम हो सकता है. अब आपको रेडी रहना है. रेडी कैसे रहना है, अभी से प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी है. एग्ज़ाम का अगर हम पैटर्न देखें तो Tier 1 होगा पहले, Tier 2 बाद में होगा. Tier 2 की अभी टेंशन नहीं लेनी है, Tier 1 पे पहले फोकस करना है. क्या फोकस करना है, इसमें 2 सेक्शंस हैं आपके पास, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है. सेक्शन ए में जर्नल अवेयरनेस होगा आपका, ठीक है, रीजनिंग होगा आपका, क्वांट है, हिंदी है और इंग्लिश लैंग्वेज है. सारे जो हैं 20-20 मार्क्स के हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है. इसके साथ आपका सेक्शन बी जो है वो है आपका पेपर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस इसमें होने वाले हैं. ये आपको जब आप इसको क्वालिफाई कर देंगे तभी आप जो है नेक्स्ट Tier 2 में पहुंच पाएंगे. ठीक है, अब कैसे इसको टारगेट करें, देखिए डेली का आप शेड्यूल बना सकते हैं. अगर आपका एग्ज़ाम मार्च एंड में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में है तो आप देख सकते हो कि आप वीकली इसमें लिस्ट बना दीजिए. ठीक है, क्या क्या इसमें टॉपिक्स पे फोकस करना है वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चैनल पे जाके उसे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, वो भी प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसके बेसिस पे. देखिए, इसमें सिलेबस तो मेंशन नहीं है, तो फिर आप कैसे इसमें अंदाज़ा लगाएंगे क्या आ सकता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के. ठीक है, जो जो उसमें टॉपिक्स आए हैं वो आप करेंगे. जर्नल अवेयरनेस है, जर्नल अवेयरनेस आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वास्ट होता है. ठीक है, इसमें हिस्ट्री भी है आपका, सिविक्स भी है, आपके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो जर्नल अवेयरनेस आप हफ्ते में रोज़ दिन पर हर दिन पढ़िए. ठीक है, मंडे टू सैटरडे. अब कितना टाइम एलोकेट करना है वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितने आवर्स की स्टडी करते हैं. कुछ लोग होते हैं कि उनको ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने के लिए, कुछ लोग होते हैं कि वो 2 घंटे में ही ज़्यादा पढ़ लेते हैं. तो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी कैसी है. ठीक है, तो आप अपने हिसाब से, बट ये इंश्योर कीजिए कि जनरल अवेयरनेस आप रोज करिए. फिर आता है आपका रीजनिंग और आपका क्वांट. ठीक है, तो रीजनिंग क्वांट अगर किसी ने कभी नहीं पढ़ा है तो उनके लिए तो कंपलसरी है कि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए. ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि हफ्ते में 2 दिन आप उनके कॉन्सेप्ट पढ़िए. ठीक है, कहीं से कॉन्सेप्ट आप इनके पढ़िए और फिर जो
और सारे डेज हैं उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रोज आधा आधा घंटा भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा. सेम इज़ फॉर क्वांट, एज क्वांट के लिए भी सेम चीज़ है कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो फिर आप क्या करेंगे, हफ्ते में दो दिन उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़िए. जैसे किसी दिन आपने कोई भी एक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है, फिर उस पर क्वेश्चंस कीजिए, या फिर आपने किसी दिन DI वगैरह पढ़ लिया तो आप उसके क्वेश्चंस कीजिए. तो ये कर सकते हैं. फिर आप क्या, आप गया हिंदी और इंग्लिश, तो ये सबका अपना अपना होता है कि किसी का इंग्लिश वीक होता है, किसी का हिंदी वीक होता है, तो उसके हिसाब से आप इसको टाइम दे सकते हैं. यहाँ पर हमने रिकमेंड किया है कि आप एक दिन पढ़िए हफ्ते में एक दिन. और जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ एग्रीकल्चर, क्योंकि 100 मार्क्स का इससे आने वाला है, तो एग्रीकल्चर भी आपको रोज़ पढ़ना है. रोज़ सब कुछ पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, मॉक टेस्ट लगाना. देखिए आप पढ़ लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि जो पढ़ा है वो दिमाग में रहा है कि नहीं रहा, क्यों चला तो नहीं गया कहीं, है ना. तो फिर उसके लिए क्या है, मॉक टेस्ट लगाना. जब क्वेश्चंस आप करते हैं, क्वेश्चंस जब आपके सामने आते हैं तो आपको वो चीज़ क्लिक कर रही है कि नहीं कर रही है, तो मॉक टेस्ट लगाना इम्पॉर्टेंट है. हर संडे को मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है. अब अगर आपको रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं अलग अलग जगह से, तो आप वैसे भी आप रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकते हैं बहुत सारी जगह पर, बट अगर आपको चाहिए कि एक ही जगह पर आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएं, आपके पास इतना टाइम है नहीं कि सब जगह से कलेक्ट करें, तो आप कोर्स बाय कर सकते हैं iExamBee का. यहाँ पर आपको सारे नोट्स हैं जो वो प्रोवाइड किए जाते हैं इसमें. उसके साथ ही साथ आपको कोर्स वीडियोज़, अगर आपको नोट्स से नहीं पढ़ना है तो आप कोर्स वीडियोज़ से पढ़ सकते हैं. उसके बाद एनालाइज करने के लिए हर एक चैप्टर का चैप्टर टेस्ट है. इसके बाद क्या है, मॉक टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो 10 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसमें मिलेंगे. इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था पूरा, Tier 1 Tier 2 का सारा आपको मिलेगा, पूरा एक कंप्लीट पैकेज इसमें, ठीक है. और साथ ही साथ क्या है इसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी. तो लाइव क्लासेस आप ले सकते हो, वहाँ पर डाउट क्लियर कर सकते हो, कोई भी आपको डाउट है तो आप 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं टीचर्स के साथ. ऑलराइट, इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा. इसके साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट हैं वो भी अवेलेबल हैं साइट पे, तो आप वहाँ से जा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं. किसी भी तरह का आपको डाउट क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.